अवार्ड 2021 में बजा एबीपी गंगा का डंका। एबीपी गंगा को मिले 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, एनबी अवार्ड। प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को मिला 2 अवार्ड। ईएनबी अवार्ड्स में छाया एबीपी गंगा। हमारे खास शो पदयात्रा को बेस्ट शो आइडेंटिटी हिंदी का अवार्ड। अर्ली प्राइम टाइम शो यूपी का मूड क्या है। मुख्तार की जेल शिफ्टिंग पर बेस्ट न्यूज कवरेज का भी मिला अवार्ड। एंकर राजेंद्र देव को मिला बेस्ट एंकर नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में शख्स की हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शख्स ब्रजेश राय को पीटते दिख रहे हैं बाउंसर और पब कर्मचारी। लास्ट लेमन पब में पिटाई से हुई थी ब्रजेश राय की मौत। आज सीएम योगी करेंगे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन। लोकभवन में होगा कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मंडलायुक्त और डीएम। हर जिले से 50 से 100 पेंशनर्स भी वीसी के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। आजम खान से नेताओं की मुलाकात का दौर जारी। आजम से जेल में मुलाकात करने जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। शिवपाल यादव प्रमोद कृष्णन ने की है आजम खान से मुलाकात। समाजवादी पार्टी में जल्द हो सकते हैं संगठनात्मक परिवर्तन। फ्रंटल संगठनों की इकाइयों को भंग कर युवाओं को मौका दे सकती है सपा। जिलों में नए समीकरणों पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संभव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से सफर महंगा। एक्सप्रेसवे पर आज से लगेगा टोल। यूपीडा ने टोल वसूली के बनाए 13 पॉइंट्स। 625 रुपए होगा टोल टैक्स।